अगर आपने नोट किया होगा तो बच्चे, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज, लंबे समय तक नहीं सोते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि उनका पेट छोटा होने की वजह से उनको हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी वो इतना भी नहीं सो पाते, जिसका कारण हो सकता है जन्म के बाद अचानक से उनके आसपास के एनवायरनमेंट का चेंज होना या व्हाइट नॉइज का ना होना। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों बच्चों को गोदी में सोना पसंद होता है और क्यों वो बेड पे लिटाते ही रोने लगते हैं, और कैसे आप अपने बच्चे को स्वेडल करके उसको लंबे समय तक सोने में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो का लिंक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम व्हाइट नॉइज के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्ते, handfulmindful.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइट नॉइस होती क्या है। टेक्निकल टर्म्स में व्हाइट नॉइस ऐसे साउंड या आवाज को कहते हैं जिसमें सेम इंटेंसिटी की कई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सरल भाषा में ये उस तरह का हमिंग साउंड होता है जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में लगातार सुनता रहता है, जैसे कि खून बहने की आवाज, दिल धड़कने की आवाज वगैरह। जन्म के बाद बच्चे को इन सब आवाजों की जगह अलग अलग तरह के साउंड सुनने को मिलते हैं, जिससे वो अचानक से डरने के साथ साथ रोने भी लगते हैं। ऐसे साउंड्स के ना होने की वजह से उनको सोने में परेशानी के साथ लंबे समय तक नींद भी नहीं आती है। ये मुश्किल ठंडे मौसम में और बढ़ जाती है, जब ठंड की वजह से हमारे आसपास सन्नाटा सा हो जाता है और जरा सी भी आवाज होने से बच्चा उठ के रोने लगता है। आज मैं आपको व्हाइट नॉइस क्रिएट करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो बच्चे के साथ साथ आपको भी आरामदायक नींद दिलाने में हेल्प करेंगे। व्हाइट नॉइस क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है फैन। फैन से जेनरेट होने वाला कंटिन्यूअस हमिंग साउंड व्हाइट नॉइस क्रिएट करता है। अगर मौसम ठंडा है और आप फैन नहीं चला सकते तो इसके लिए भी 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि बच्चे से दूर टेबल फैन चला दिया जाए, लेकिन आजकल ज्यादातर घरों में टेबल फैन नहीं होते। दूसरा तरीका ये है कि जहां बच्चा सो रहा है उसके साथ वाले कमरे या हॉल का फैन ऑन कर दें। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है डेकोरेटिव मिनी फाउंटेन, जो अक्सर लोग अपने लिविंग हॉल या बालकनी में रखना पसंद करते हैं। फाउंटेन से पानी के गिरने की रिदमिक साउंड से भी बच्चों को सोने में आसानी होती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फोन में बच्चों के लिए व्हाइट नॉइस की ऐप डाउनलोड करके भी इसे आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फोन से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से मैं इसे बच्चों के लिए यूज ना करने की सलाह दूंगी। लेकिन अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो उसको बच्चे से कम 10 फीट दूर ही रखें तो अच्छा है। इसके अलावा मार्केट में बच्चों के लिए व्हाइट नॉइस डिवाइसेस भी आती हैं। खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इससे निकलने वाला साउंड 50 डेसिबल से ज्यादा ना हो। एक अच्छी क्वालिटी की डिवाइस आपको कम से कम 3,000 रुपए के आसपास पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मैंने कभी कोई व्हाइट नॉइस डिवाइस यूज नहीं की है, इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको रेकमेंड नहीं कर सकती और न ही मुझे इसके प्रोज या कॉन्स के बारे में कोई एक्सपीरियंस है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।